सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सबको मेरा और एक वीडियो में मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। आज की टॉपिक है परमेश्वर को हराने वाला एक इंसान। सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति की किताब 32:22 से लेकर 31 तक। यहाँ जब याकूब अकेला था, तब एक इंसान आया, याकूब के साथ लड़ाई किया, सुबह तक लड़ाई किया। जब सुबह हुआ तो वो बोलता है, वो आदमी बोल रहा है कि हमें छोड़ दो क्योंकि सुबह हो गया है। तब याकूब बोलता है, जब तक तुम मुझे आशीष नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। 27 वर्ष का अगर हम देखेंगे तो वो आदमी याकूब से कहता है, तुम्हारा नाम इसराइल होगा क्योंकि तुम परमेश्वर और इंसान दोनों के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त हुए हो। ये कौन है जो परमेश्वर और इंसान दोनों है? अगर हम देखेंगे तो कोई कोई कहते हैं कि ये स्वर्ग का दूत है, और कोई कोई कहते हैं ये यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर दोनों ही थे। दोनों ही क्वालिटी प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। कोई कोई बोल रहे हैं कि ये यीशु मसीह है, कोई कोई कहते हैं ये स्वर्गदूत है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? एक इंसान एक परमेश्वर का हरा देता है, एक इंसान एक परमेश्वर का हरा देता है युद्ध करके, ये कैसे मुमकिन है? परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, ये क्या झूठ है? बिल्कुल नहीं है, ये सच है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर किसी से भी नहीं हारता, ये सब कुछ सच है। लेकिन ये कैसे संभव हुआ, ये कैसे मुमकिन हुआ ताकि एक इंसान परमेश्वर का हरा सके? ये कैसे हुआ? कभी कभी परमेश्वर ने खुद अलाउ करता है, खुद अनुमति देता है। यहाँ ऐसे ही हुआ है, परमेश्वर ने खुद अलाउ किया। और एक चीज याद रखना है, परमेश्वर ने याकूब को आघात किया, इसलिए आघात किया ताकि जैसे याकूब घमंडी ना हो जाए, इसलिए आघात भी किया। तो बाइबल हम देखेंगे याकूब के बारे में, याकूब ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया था, तो परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और परमेश्वर का आशीष मांगा। आज हमें भी ऐसा करना है, परमेश्वर हमें आशीष दो, जब तक तुम मुझे आशीष नहीं दोगे तब तक मैं आपकी उपस्थिति से नहीं हटूंगा। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि ऐसे कर सकते हैं। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। फिर मिलते हैं और एक एपिसोड में, तब तक सबको जय मसीह।